फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल RJ20 और आज की वीडियो हमारी किसी मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं होने वाली। आज ही हमारी वीडियो कार के ऊपर होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी कार में वाइपर वॉशर का फ्लूइड कैसे रिफिल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मेरे पास में ये Hyundai की i20 2014 मॉडल, और आप ये देख सकते हैं जब मैं इस वाले बटन को आगे पुल कर रहा हूँ तो इसमें से कोई भी वाटर नहीं आ रहा है, सिर्फ हमारा वाइपर ही चल रहा है। तो अगर आपको वाटर रिफिल करना है तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाटर रिफिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कार का बोनट खोलना है। बोनट खोलने के लिए आपको एक ऐसा लीवर दिखेगा, इसको आपको सिंपली ऐसे आगे की तरफ पुल करना है। और अब हमारा बोनट खुल चुका है। बोनट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऐसा लॉक दिखेगा, आपको इस लॉक को सिर्फ ऐसे स्लाइड करना है और अपना बोनट पकड़ के खोल देना है। बोनट खुल जाने के बाद आपको यहाँ पर साइड में एक ऐसा कैप मिलेगा जिसके ऊपर ऐसा सिंबल बन रहा होगा, यहाँ पे लिखा है वॉशर ओनली। तो आपको इस कैप को ऐसे ऊपर उठाना है और ये कैप खुल गया। दूसरी गाड़ियों में आपको कैप यहाँ पर भी मिल सकता है और किसी किसी गाड़ियों में आपको कैप यहाँ पर भी मिल सकता है। फिल करने के लिए आपको सिंपली एक ऐसा वाटर लेना है और इसमें फिल कर देना है। मैं सिंपल वाटर ले रहा हूँ, आप किसी डिटर्जेंट वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं वाटर इसमें जा रहा है। तो अब आप ये देख सकते हैं वाटर फुल हो जाने के बाद हमें सिंपली इस कैप को ऐसे बंद कर देना है और हमें हमारा बोनट भी बंद कर देना है। तो बोनट बंद करने के बाद अब हम हमारी कार में आ चुके हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें वाटर आने लगा है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने वाइपर चलाया, ये वाइपर के साथ में वाटर भी आने लगा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।